Unknown brain, don't mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, in war zone. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम का डिलाइट। तो ये है लेजेंडरी ऑल न्यू लैंड रोवर डिस्कवरी एंड मैं करने वाला हूँ इसका डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू विद ऑन रोड प्राइस एंड ऑल द फीचर्स। सो मेक श्योर आप अभी के अभी टीम का डिलाइट को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो ये है ऑल न्यू लैंड रोवर डिस्कवरी एंड अभी आप देख रहे हैं इसका टॉप एंड फुली लोडेड HSE लग्जरी वेरियंट। यहाँ पे 3 years 1 lakh किलोमीटर्स की वारंटी अवेलेबल है विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 years। और ये कॉम्पीट करती है ऑडी Q7, मर्सिडीज बेंज GLS एंड BMW X7 के साथ। एंड इट्स अ वेरी कैपेबल ऑफ रोडर। वाटर वेडिंग आपको 900 mm की मिलती है एंड अप्रोच एंगल एंड डिपार्चर एंगल भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो गाइज अ फ्रेंड यहाँ पे अवेलेबल है सुपर स्टनिंग एंड वेरी एफिशिएंट एडाप्टिव LED हेडलैम्प विद LED सिग्नेचर DRLs, ऑटो हाई बीम असिस्ट एंड अप्रोच लाइट एंड होम सेफ हेडलैम्प का फंक्शन भी ऑफर करा जा रहा है। वी हैव ऑल्सो गॉट हेडलैम्प वॉशर और यहाँ पे डिस्कवरी की बैजिंग, साथ में लैंड रोवर की सिग्नेचर ग्रिल। और यहाँ पे फ्रेंड में आपको सेंसर भी मिलते हैं, इवन 360 डिग्री व्हीकल के सेंसर्स दिए गए हैं। तो न्यू डिस्कवरी बिल्ट अप है स्ट्रॉन्ग रिजिड एंड लाइट वेट एल्युमिनियम स्ट्रक्चर के ऊपर जो कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड फ्यूल एफिशिएंसी दोनों को ही इंक्रीज करता है। और इस SUV को मिला है यूरो एनकैप रेटिंग 5 stars की एंड इसका कर्व वेट है 2184 से लेके 2298 kg। और यहाँ पे टफेंड ग्लास यूज करा गया है विद डार्क टिंट। ऑल्सो यहाँ पे विंडस्क्रीन आपको मिलेगी सोलर कट ग्लास के साथ। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स ऑफ वगैरह जा रही हैं। ऑल्सो यहाँ पे आपको लेटेस्ट जनरेशन का 4-corner इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन मिलता है, यानी कि ऑल 4 एयर सस्पेंशन दिया गया है विद एल्युमिनियम कॉम्पोनेंट्स जो कि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं एंड वी गेट अ वेरी प्लांटेड राइड क्वालिटी। तो यहाँ पे 20 इंच यानी कि 20 इंचेस के 5 स्प्लिट स्पोक अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं एंड अलॉय व्हील्स में डिफरेंट ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे 255/55 सेक्शन टायर्स ऑफर करे गए हैं विच इज़ ह्यूज इन साइज। और फ्रंट फेंडर पे डिस्कवरी की बैजिंग। सो गाइज ये है ऑटो फोल्डिंग, ऑटो डिमिंग, हीटेड ORVM विद मेमोरी फंक्शन एंड यहाँ पे पेडल लैम्प भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे अबंडेंस ऑफ फीचर्स ऑफर करे जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही सटल यूज़ करा गया है पियानो ब्लैक फिनिश का। फ्रंट में यहाँ पे स्लाइडिंग सनरूफ अवेलेबल है, रियर में आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती, पैनोरामिक रूफ मिलेगी यानी कि फिक्स दी गई है, साथ में शार्क फिन एंटीना एंड यहाँ पे बिग साइज का स्पॉइलर दिया गया विच इज़ लुकिंग सुपर स्पोर्टी। पियानो ब्लैक फिनिश भी यहाँ पे यूज़ करी गई है। एंड गाइज न्यू लैंड रोवर डिस्कवरी में बहुत ही ज़्यादा टॉल स्टांस दिया गया है। वी हैव गॉट वेरी बोल्ड एंड मस्कुलर लुकिंग एक्सटीरियर्स एंड ओवरऑल डिस्कवरी की जो रोड प्रेजेंस है दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड एंड एक्सट्रीमली स्ट्राइकिंग एज वेल। एंड साथ में अगर बात करें इस SUV की ग्राउंड क्लियरेंस की, सो दैट इज़ 209 mm, टर्निंग रेडियस 6.15 meters एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी 89 liters एंड डायमेंशन भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ऑल्सो यहाँ पे 10 मेटालिक एंड 2 नॉन मेटालिक एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे ह्यूज साइज की रियर में स्किड प्लेट अवेलेबल है एंड दीज आर सुपर अट्रैक्टिव LED टेल लैम्प एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से ये रियर एप्लिक में मर्ज हो रहे हैं। साथ में डिस्कवरी की बैजिंग और यहाँ पे वेरियंट की बैजिंग और यहाँ पे कैमरा भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे स्मार्ट टेलगेट भी अवेलेबल है कि आपकी विसिनिटी में है तो आफ्टर 3 blinks ऑटोमेटिकली टेलगेट ओपन हो जाएगा एंड फुट स्वाइप करते हैं तो भी टेलगेट ओपन हो जाता है, यानी कि जेस्चर फंक्शन भी अवेलेबल है। और ये है इनर टेलगेट फॉर लोडिंग और फॉर सिटिंग। साथ में 258 liters का बूट स्पेस मिलता है विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2068 liters। और ये है ग्रॉसरी हुक और ये है 12 volt का एसेसरी सॉकेट। एंड गाइज यहाँ से हम इनर टेलगेट को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं
और ये इनर टेल गेट काफ़ी स्ट्रांग दिया गया, इवन टू हेल्दी पीपल कैन सिट हेयर वेरी इजीली। और डिस्कवरी के सस्पेंशन की हाइट को हम यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि राइट फ्रॉम हेयर, यानी कि बूट स्पेस से ही। तो अगर हम हैवी सूट केसेस कैरी कर रहे हैं तो ये बहुत ही कन्वीनियंट फीचर दिया गया है। सो एज यू कैन सी, जो सस्पेंशन है वो रेज हो रहा है एंड इसको हम डिप भी कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड एंड कन्वीनियंट फीचर। एंड इसी के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो हमें मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा कुछ ऐसे। और यहाँ पे ग्रॉसरी हुक, साथ में लगेज लैम्प भी अवेलेबल है। एंड गाइज, यहाँ पे टेल गेट पर भी हमें ट्विन लगेज लैम्प मिल जाते हैं, LED लगेज लैम्प दिए गए हैं सारी। एंड इसको प्रेस करेंगे तो टेल गेट क्लोज हो जाएगा। एंटी पिंच एंड मेमोरी फंक्शन भी अवेलेबल है। एंड गाइज, डिस्कवरी में एक्टिव की 2 का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि फुली वाटरप्रूफ की आपको मिलेगी, यानी नॉर्मल की तरह ही वर्क करती है। साथ में यहाँ पे प्रो सर्विसेज भी ऑफर करी जा रही है, जिसमें हम रिमोटली व्हीकल को मोबाइल ऐप के थ्रू स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, वी कैन प्री कूल, प्री हीट, लॉक अनलॉक, लाइव लोकेशन सेंड कर सकते हैं, जो नियर बाय पार्किंग स्लॉट अवेलेबल है उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं, एंड जो नियर बाय यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको मिलती है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स एज वेल। सो गाइज, बात करते हैं इस बुच SUV के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे ऑफर करे गए हैं 8 एयर बैग्स, ABS विद EBD, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेड लैम्प, ऑटो डिमिंग IRVM एंड ORVM, रियर ट्रैफिक मॉनिटर, यानी कि रियर से जो भी व्हीकल्स या फिर पेडेस्ट्रियन अप्रोच कर रहे हैं उन सबकी हमें वार्निंग कॉन्टिन्यूसली मिलती रहेगी। साथ में ऑटोनॉमस एमरजेंसी ब्रेकिंग, यानी कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई व्हीकल या फिर कोई पेडेस्ट्रियन हमारे अनोइंगली व्हीकल के आगे आ जाता है, तो हम अगर ब्रेक अप्लाई नहीं करते तो डिस्कवरी ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई करेगी। एंड इसी के साथ यहाँ पे अवेलेबल है ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन विद अडैप्टिव स्पीड लिमिटर, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल विद ऑफ रोड ABS, हिल लॉन्च असिस्ट, रोल स्टेबिलिटी कंट्रोल, TPMS, कॉन्फिगरेबल ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, एमरजेंसी असिस्टेंस, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर, लेन कीपिंग एड, 360 डिग्री सेंसर्स, रियर व्यू कैमरा, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट एंड ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट। ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट जब आप रिवर्स करेंगे तो ORVM ऑटोमेटिकली थोड़ा डाउन टिल्ट हो जाएगा। सो अब यहाँ से बोनेट यानी हुड को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, लैंड रोवर डिस्कवरी में 3 इंजन ऑप्शन ऑफर करे गए हैं। पहला है 2 लीटर 4 सिलेंडर ऑल व्हील ड्राइव डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 237 BHP ऑफ पावर, 430 NM ऑफ टॉर्क। यहाँ पे 8-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है, जिसकी माइलेज है 18 KMPL, मैक्सिमम स्पीड है 207 KMPH एंड 0-100 इज इन 8.7 seconds। सेकेंड इंजन है 3 लीटर डीजल इंजन 6 सिलेंडर ऑल व्हील ड्राइव, ये जनरेट करता है 255 BHP ऑफ पावर एंड मैसिव 600 NM ऑफ टॉर्क। यहाँ पे 8-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है और इसकी माइलेज है 17.5 KMPL, मैक्सिमम स्पीड 209 KMPH एंड 0-100 इज इन जस्ट 8.1 seconds। और थर्ड आता है 3 लीटर सुपर चार्ज 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विद ऑल व्हील ड्राइव, और ये जनरेट करता है 335 BHP ऑफ पावर एंड 450 NM ऑफ टॉर्क। यहाँ पे 8-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है एंड इसकी माइलेज है 9.2 KMPL, मैक्सिमम स्पीड 215 KMPH एंड 0-100 इज इन जस्ट 7.1 seconds। एंड गाइज, यहाँ पे पैसिव कीलेस एंट्री अवेलेबल है, विच इज सुपर कन्वीनियंट। एंड कुछ ऐसी यहाँ पे आपको की मिल जाएगी विद क्रोम फिनिश एंड 4 switches। अब गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी हैव टू प्रेस द ब्रेक एंड इंजन पुश स्टार्ट बटन। एंड जैसी व्हीकल स्टार्ट होगी तो आप देख सकते हैं जो गियर नॉब है वो ऑटोमेटिकली पॉप आउट हो जाती है, विच लुक्स सुपर कूल। एंड ये है डैशबोर्ड के लुक। यहाँ पे लाइट एस्प्रेसो विंसर लेदर ट्रीटमेंट यूज करा गया है विद शेडो ओक वुड ट्रीटमेंट एंड पियानो ब्लैक फिनिश विद सिल्वर एसेंट्स। काफ़ी अप मार्केट एंड प्रीमियम आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। एंड गाइज, यहाँ पे भी विंसर लेदर सीट अपहोल्स्ट्री यूज करी गई है लाइट एस्प्रेसो कलर टोन में। एंड यहाँ पे फिक्स्ड हमें फ्रंट सीट्स मिलेंगी, एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता।
सो गाइज, फ्रंट सीट्स में अवेलेबल है 10-way इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट विद 4-way लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट एंड यहाँ पे डिस्कवरी की मेटालिक सिल प्लेट और यहाँ पे क्लच फुट रेस्ट, साथ में फ्रंट फुटवेल एल्यूमिनेटेड मिलते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा कबी होल एंड गाइज यहाँ से हम एल्यूमिनेशन कंट्रोल कर सकते हैं कैबिन की कुछ ऐसे और इसके लेफ्ट साइड स्विच से हम टेल गेट ओपन कर सकते हैं। सो गाइज, रियर में आपको फिक्स पैनोरामिक रूफ मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं दी गई रियर में। फ्रंट में स्लाइडिंग सनरूफ अवेलेबल है, फुली फोल्डेबल यहाँ पे ब्लाइंड्स मिलेंगे, तो ये स्लाइडिंग सनरूफ अवेलेबल है, कुछ इतना ही ओपन होगा ये। एंड ये है फ्रंट डोर के लिए डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ और यहाँ पे बॉटल होल्डर्स एंड मैप पॉकेट अवेलेबल है विच इज़ एल्यूमिनेटेड, साथ में स्पीकर्स, फ्रंट ट्विटर्स, मेरिडियन साउंड सिस्टम और यहाँ पे भी इवन ट्विटर्स आपको मिलेंगे। एंड गाइज, ऑल 4 पावर विंडोज अवेलेबल है विद ऑटो अप एंड डाउन एंड एंटी पिंच, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और वीएम्स ऑफर करे गए हैं और यहाँ पे 3 मेमोरी फंक्शन अवेलेबल है फॉर ड्राइवर सीट, स्टेयरिंग एंड ORVM। बहुत ही यूनिकली शेप यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल अवेलेबल है, बॉटल होल्डर स्पेस और जो डोर है उसके अंडर आपको पड़ लैम मिलते हैं। एंड दोस्तों, इवन यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील में हमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलती है, बोथ फॉर रेक एंड रीच हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। सो गाइज, डिस्कवरी का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 89.43 लाख से लेके 1.28 CR। अभी आप देख रहे हैं टॉप स्पेक ट्रिम और यहाँ पे फ्रंट में आर्मरेस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे ट्रे भी मिलेगी छोटी सी, काफ़ी डीप स्टोरेज दी गई है यहाँ पे एंड यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, साथ में 2 एल्यूमिनेटेड USB पोर्ट्स और गाइज ये है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ये है ट्रैक्शन कंट्रोल को अनेबल एंड डिसेबल करने के लिए। एंड गाइज, यहाँ से हम सस्पेंशन की हाइट को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं राइट फ्रॉम दिस स्विच, तो इधर से आप जो सस्पेंशन है उसको हम रेज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी रेज हो रहा है सस्पेंशन। एंड गाइज, ये है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, साथ में लिमिटर और यहाँ पे लेफ्ट साइड जो स्विच दिया गया दिस इज़ फॉर हिल डिसेंट कंट्रोल, तो हम इसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड दिस इज़ फॉर लो रेंज, सो गाइज ऑफ रोडिंग के लिए जितने भी इक्विपमेंट एंड जितने भी फीचर्स चाहिए सारे इधर अवेलेबल हैं। यहाँ पे एडवांस्ड आपको टेरेन रिस्पॉन्स 2 मोड भी मिलता है, सो यहाँ पे टेरेन रिस्पॉन्स दिए गए हैं आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पूरी व्हीकल का परफॉर्मेंस एंड आउटपुट ऑल्टर हो जाएगा, फ्रॉम स्टेयरिंग टू परफॉर्मेंस टू सस्पेंशन सेटअप। एंड गाइज, ये बहुत ही कैपेबल ऑफ रोडर है, यहाँ पे ब्रिलियंट अमाउंट ऑफ फीचर्स अवेलेबल है और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स ऑफर करे जा रहे हैं। एंड गाइज, इसी के साथ ये है गियर नॉब विच इज वेरी हैंडी टू यूज, कुछ ऐसे हम गियर शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये है रिवर्स पार्किंग कैमरा, 360 डिग्री सेंसर्स दिए गए हैं जिसका प्रॉपर वर्चुअल व्यू मिलता है और यहाँ पे अडैप्टिव गाइडलाइंस अवेलेबल है, प्लस हमें मल्टी व्यू मिलते हैं, बट इंडिया में डिस्कवरी में आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा। एंड गाइज, यहाँ पे कुछ और स्टोरेज स्पेस, साथ में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और गाइज डिस्कवरी के टॉप एंड मॉडल में यहाँ पे अवेलेबल है 3-zone फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, बहुत ही सॉफ्टेस्ट यहाँ पे डायल्स दिए गए हैं, ऑल्सो अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसे ही ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे हम CD इंसर्ट कर सकते हैं और कुछ स्टोरेज एरिया भी मिलता है विच इज़ काइंड ऑफ हिडन स्टोरेज स्पेस। सो गाइज, ये है टॉप क्लास क्वालिटी का इन कंट्रोल टच प्रो 10 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, CD, USB, ब्लूटूथ, वॉइस कमांड एंड नेविगेशन को, साथ में यहाँ पे मेरिडियन सराउंड साउंड सिस्टम मिलेगा 825 वॉट्स का, 14 स्पीकर दिए गए हैं, डुअल चैनल सब वूफर भी अवेलेबल है और यहाँ पे ड्राइविंग स्कोर ये शो कर रहा है जैसा आप देख सकते हैं विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी हमें मिलता है, साइड बाई साइड नेविगेशन भी ये शो करेगा। एंड गाइज, दिस इज फॉर ऑफ रोडिंग एंड यहाँ पे अदर सेटिंग्स भी अवेलेबल हैं, इको डेटा, व्हीकल डायमेंशंस, सो ये प्रॉपर व्हीकल की डायमेंशन शो करेगा सस्पेंशन की हाइट के साथ, अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल के साथ। एंड गाइज, वी गेट वेराइटी ऑफ फीचर्स ओवर हेयर एंड इवन हम जो
फ्रंट एंड रियर का ए सी का टेम्परेचर है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली, इवन रियर का हम ए सी का फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिस्टम यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर मिलेगा, टच सुपर रिस्पॉन्सिव दिया गया है एंड व्हीकल सेटिंग्स के साथ यहाँ पे आपको नंबर ऑफ व्हीकल इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी। एंड सेंटर में यहाँ पे स्पीकर अवेलेबल है और ये है अपर ग्लव बॉक्स। सो गाइज यहाँ पे 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट अवेलेबल है, साथ में एल्यूमिनेशन दी गई है, पेन होल्डर एंड कार्ड होल्डर भी मिलते हैं और ये है लोअर ग्लव बॉक्स, लॉकेबल नहीं दिया गया लेकिन यहाँ पे भी कार्ड होल्डर एंड पेन होल्डर अवेलेबल है। और ये है ड्राइवर साइड सन वाइजर, यहाँ पे वैनिटी मिरर के साथ लैम्प भी अवेलेबल है, सेंटर में सनग्लास होल्डर ऑफर करा गया है। सो गाइज यहाँ पे फ्रंट एंड रियर के ब्लाइंडर के आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, साथ में फ्रंट सनरूफ के कंट्रोल भी दिए गए हैं और यहाँ पे टू कैबिन लैम्प भी अवेलेबल है, तो टच के थ्रू हम इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं जो कि काफ़ी कूल फीचर है। और गाइज ये है ड्राइवर साइड सन वाइजर, यहाँ पे भी इवन वैनिटी मिरर के साथ एल्यूमिनेशन अवेलेबल है। तो दोस्तों ये है सुपर लग्जूरियस लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, साथ में डिस्कवरी की बैजिंग मिलेगी, लेफ्ट साइड MID ऑडियो एंड वॉइस कमांड कंट्रोल्स दिए गए हैं और राइट साइड क्रूज कंट्रोल, साथ में यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स भी अवेलेबल है और ये है हेडलैम्प कंट्रोल्स और ये है वाइपर कंट्रोल्स। सो ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक, शो करता है आउटसाइड टेम्परेचर, गियर पोजिशन इंडिकेटर एंड साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिप डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, ड्राइविंग स्टाइल, डिस्टेंस टू MT एक्सेट्रा, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी बहुत ही प्रिसाइज फॉर्मेट में। एंड ये है व्हीकल सेटिंग, तो पैसेंजर एयर बैग को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल्स और भी हम अपने अकॉर्डिंग एनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं, ऑटो एक्सेस, ग्लोबल लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, वाइपर सेटिंग, ऑटो हाई बीम सेटिंग्स। सो मल्टीपल यहाँ पे व्हीकल सेटिंग दी गई है, हम अपने अकॉर्डिंग इसको एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑयल लेवल इंडिकेटर भी हमें मिलेगा एंड सर्विस रिमाइंडर एंड अदर अलर्ट्स भी यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, साथ में आउटसाइड टेम्परेचर एंड डिजिटल क्लॉक भी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। सो अब चलते हैं गाइस रियर सीट्स पे, चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेंजर साइड हमें मेमोरी सीट का फंक्शन नहीं मिलता, सिर्फ ड्राइवर साइड ही अवेलेबल है। एंड यहाँ पे सारी डोर्स में डिस्कवरी में आपको पेडल लैम्प मिलता है विच इज सुपर बेनिफिशियल स्पेशली इन नाइट। एंड ये रियर डोर की लुक, डुअल टोन डोर आपको मिलेगा यहाँ पे, साथ में बॉटल होल्डर्स, मैप पॉकेट्स, स्पीकर्स एंड यहाँ पे ट्विटर्स। और ये है पावर विंडो कंट्रोल, बहुत ही बिग साइज की डोर माउंटेड आर्मरेस दी गई है एंड यहाँ पे ओक वुड ट्रीटमेंट विच इज लुकिंग वेरी अप मार्केट और डोर सिल प्लेट। और ये है रियर सीट्स विथ 3 बिग साइज एडजस्टेबल हेडरेस्ट, साथ में पैनोरामिक रूफ। एंड गाइस यहाँ पे सेंटर में एक आर्मरेस्ट भी अवेलेबल है विथ 2 कप होल्डर्स। और यहाँ पे फ्रंट सीट्स के बैक पे डुअल पॉकेट अवेलेबल है फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स। एंड अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे बी पिलर पे एसी वेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे ग्रैब हैंडल, साथ में ग्रॉसरी हुक और इधर आपको मिलेगा ग्रैब हैंडल विथ कोट हुक। एंड गाइज ये है फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, सो यहाँ पे रियर कम टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं एंड फैन की स्पीड भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है ऐश ट्रे, साथ में 5 वॉट का एक USB पोर्ट एंड यहाँ पे एक और 5 वॉट का USB पोर्ट मिलेगा। एंड इवन यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल के साथ कोट हुक, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल विद ग्रॉसरी हुक एंड सेंटर में 2 कैबिन लैम्प अवेलेबल है, LED कैबिन लैम्प विच आर वेरी पावरफुल। और यहाँ पे एयर बैग की बैजिंग आप देख सकते हैं, 8 एयर बैग्स मिलते हैं इन टोटल। एंड गाइज ये है डिस्कवरी का डैशबोर्ड विच इज़ वेरी लग्जूरियस और यहाँ पे फ्रंट में इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी इवन अवेलेबल है और कुछ हम ऐसे इस बटन को प्रेस करके एडजस्ट भी कर सकते हैं हम फ्रंट हेडरेस्ट। एंड गाइज अब चेक करते हैं थर्ड रो यानी कि लास्ट रो,
यहाँ पे आपको 5 सीटर ऑप्शन एंड 7 सीटर ऑप्शन दोनों ही मिल जाते हैं, तो कुछ ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं थर्ड रो। और यहाँ पे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही मिलती है, और यहाँ पे बॉटल होल्डर और कुछ और स्टोरेज एरिया अवेलेबल है, और यहाँ पे स्लॉट दिया गया है टू फिक्स रियर पार्सल ट्रे दोनों साइड पे, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल साथ में हैवी हुक एंड कैबिन लैम्प मिलेगा, सेम गोज विद हेयर। तो यहाँ पे ऑल्दो फिक्स्ड आपको पैनोरामिक रूफ मिलती है, लेकिन एक सेंस ऑफ एयरीनेस को ये काफ़ी ज़्यादा ऐड करती है। सो गाइज, आपको कैसी लगी ये ऑल न्यू डिस्कवरी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें।